कल मुख्तसरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश किए। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इंसान कराहत में फिर खुदा के हम्द और उसके शुक्र का एतराफ़ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहरहाल आज इंशाअल्लाह सिर्फ हम्द परवरदिगार पर मुख्तसर गुफ्तगू होगी, फिर कल इंशाअल्लाह लिल्लाह रब्बिल आलमीन पर अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ज़ाहरी तर्जुमा हम जो करते हैं वो ये कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का परवरदिगार है, पूरे आलमीन को पालने वाला है। तो बहरहाल हम्द यानी तारीफ के माना में भी है और हम्द शुक्र के माना में भी है। यानी अरबी जबान में अगर हम्द कहा जाता है तो ये दोनों चीज़ों का खुलासा उसमें आ जाता है, अल्लाह की तारीफ भी और परवरदिगार का शुक्रिया भी आ जाता है। तो ये शुक्र अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों के मुकाबले में है और नेमतों का शुक्रिया इंसान अगर कोई दीन को भी ना मानता हो, कुरान को भी ना मानता हो, हदीस को भी ना मानता हो, हत्ता मजहब को भी वो कबूल ना करता हो, लेकिन तब भी शुक्रिया एक ऐसी चीज़ है जो खुद इंसान की ज़ात से वाबस्ता है, इंसान की फितरत में है। स्कूल में एक छोटे बच्चे को एक मिनट के लिए दूसरा बच्चा पेंसिल भी देता है तो वहाँ उसकी माँ मौजूद नहीं होती कि बेटा तुम उसका शुक्रिया अदा करो, लेकिन बच्चा खुद ब खुद उस एक मिनट के पेंसिल के बदले में बच्चा कहता है थैंक यू, मसलन मोहम्मद का शुक्रिया है ना। इसी तरीके से आप आगे देखें किसी भी सूरत में पानी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब एक पानी प्यासे आदमी को पानी मिलता है तो वो नाखास्ता तौर पर भी कोई उसे समझाने वाला उसके सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ है कि तुमको उसने पानी से सैराब किया है उसका शुक्रिया अदा करो, ये इंसान के नेचर में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब इंसान ये कह रहा है तो इससे साफ ये जाहिर है कि एक ज़ात है जिसने बहुत सारी नेमतें हमें अता की हैं तो उसका शुक्रिया हमारे लिए ज़रूरी है। शुक्र मुनइम इस्तेलाह में किया जाता है, मुनइम यानी नेमतें नाजिल करने वाला, नेमतें अता करने वाला। तो नमाज वसीला है इंसान के फितरत के तकाजे को पूरा करने के लिए, है ना। एक खुलासे के तौर पर ज़ाहिरन अगर मैं इश्तबाह ना करूँ तो आयतुल्लाह जवादी आमली का जुमला है कि नमाज बेहतरीन वसीला है खुद खाही से खुदा खाही तक पहुँचने का। अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़ी इबारत है। यानी इंसान जहाँ पर खुद खाही जो सब कुछ मैं करता है, नमाज पढ़ता है तो सारी मैं और अनानियत को वो ख़त्म कर देता है, सिर्फ खुदा 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 करने लगता है। तो वो सफ़र है जो खुद खाही को ख़त्म करके खुदा खाही तक पहुंचाता है, ये नमाज है। तो नमाज में जो हम्द इंसान करता है यानी इंसान अपनी फितरत के तकाजे को पूरा करता है कि इतनी सारी नेमतें इंसान उनका शुमार नहीं कर सकता, खुद कुरान का चैलेंज है وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनना भी चाहो, उसका शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है ना, उसे काउंट भी करना चाहो तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कितनी नेमतों का शुक्रिया तुम अदा कर सकोगे। और खुदा बंदे आलम तो वो है कि बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिसका इंसान जिसको मांगा नहीं है, इंसान ने तलब नहीं किया है, अल्लाह ने दिया है। आप बताइए कब आपने अल्लाह से आंखें मांगी थी, कब आपने अल्लाह से जबान मांगी थी, लेकिन अल्लाह ने बिन मांगे आपको देखने के लिए आंखें अता की हैं, जबान अता की हैं। तो क्या फिर इंसान का
ये तकाजा नहीं है कि वो इतनी बड़ी नेमतों के मुकाबले में, इसलिए कि जब तक नेमत हमारे पास है तब तक तो उसकी कदर नहीं पता चलती है इंसान को, है ना। तो अब हम आसानी से सांस ले रहे हैं, शायद हमारे लिए कदर ना हो, लेकिन सांस की अहमियत उस आदमी को पता चलती है, इस वक्त सांस लेने के लिए तड़प रहा है, वो ऑक्सीजन में है, वेंटिलेटर पे है, उसे मालूम होता है कि सांस क्या है। तो बे इंतहा नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तो मुकाबले में शुक्र भी वाजिब है, और उसी शुक्र को पूरा करने के लिए ये नमाज है। तो इंसान हमद परवरदिगार से आगाज करता है, यानी उसमें खुदा की तारीफ भी वो कर रहा होता है और उसका शुक्रिया भी अदा कर रहा होता है। और ये शुक्रिया की बात जहां तक आई है, इंसान बस वो कोशिश करता रहे कि शुक्रिया अदा करे, कभी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैन अल-आबिदीन फरमाते हैं कि परवरदिगार मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं, जब भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं तो फिर उस शुक्रिया अदा करने की तौफीक के लिए एक शुक्र मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है ना। तो हमेशा मेरी गर्दन पर शुक्रिया का कर्जा रहता है, मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं तो उस तौफीक के लिए कि परवरदिगार तूने तौफीक दी मुझे शुक्रिया अदा करने की, तो फिर एक सजदा मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है। सही, तो इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन उसका फर्ज है कि वो अल्लाह की दी हुई नेमतों के मुकाबले में शुक्रिया अदा करे। और अल्लाह के बंदों में सब एक जैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह होती है उनकी शाम होती है ना, वो खुदा को याद भी नहीं करते, उसके शुक्रिया तो दूर की बात, वो खुदा को याद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी खुदा बंदे आलम नेमतों को नाजिल करता है। कभी भी तुलू होते हुए सूरज को खुदा ये नहीं कहता कि उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया है, उसे रोशनी ना दो, जिसने शुक्रिया अदा किया है उसे रोशनी दे दो, बल्कि उस सूरज तुलू होता है तो हर एक के लिए वो रोशनी अदा कर देता है। तो बहुत सारे हैं जो खुदा का बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं करते, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ ज़बानी शुक्रिया, शुक्रानिल्लाह ऐसे बोल दिया, वो समझते हैं कि हमने हक़ शुक्रिया अदा कर दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ नेमतों के मिलने पर शुक्रिया अदा करते हैं, एक छोटी सी नेमत उनसे छिन जाती है तो वो शुक्रिया को भुलाकर शिकवे के पीछे पड़ जाते हैं, शिकवा करने लगते हैं, इतनी सारी नेमतें उन्हें याद नहीं होती है ना। तो उस्ताद मोहसिन फरादी दर्स के दौरान ये कहते हैं कि इंसान पानी दो घूंट पी लेता है, बाकी पानी जो रह जाता है तो जो खाली हो जाता है उसके बारे में खुदा से कहता है, परवरदिगार मेरा दो घूंट पानी खत्म हो गया, अरे इतना जो बाकी है उसका शुक्रिया अदा करो, तो है ना। तो इंसान यही है। तो नमाज बहरहाल बेहतरीन वसीला है, और कुछ मुखलिस बंदे अल्लाह के ऐसे हैं जो हर हाल में शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मोहसिन फरासी साहब की एक मिसाल याद आ जाती है कि दस्तरखान लगा हुआ हो, एक छोटा बच्चा भी हो सुफरे में बैठा हुआ हो, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल का बच्चा, और उसी दस्तरखान में माँ बैठी हुई, तो बच्चे की फितरत क्या है, बच्चे को अगर मिठास आप चखाएंगे, कोई मीठी चीज उसे दे देंगे तो वो खुशी खुशी से वो खा लेता है, जैसे ही जर्रा बराबर उसे तेज या तीखा मिल जाए तो बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और एक बार मालूम हो जाता है कि ये चीज तीखी है तो फिर उसे मुंह भी नहीं लगाता। लेकिन वहां पर मौजूद माँ एक बेहतरीन जो मीठा रखा हुआ है उसे भी वो खा लेती है, जो थीका अचार वगैरह रखा हुआ है उसे भी वो खुशी खुशी खा लेती है, क्यों, उसे मालूम है कि उसकी लज्जत क्या है। तो हम भी दुनिया की नेमतों के मुकाबले में एक छोटे बच्चे की तरह हैं, हमें नेमतें मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना, जर्रा बराबर नेमतें तुंद हो जाती हैं, थीकी हो जाती हैं, या हमसे नेमतें छिन जाती हैं तो एक छोटे बच्चे की तरह हम शिकवा शिकायत करने लगते हैं। तो इंसान बहरहाल शुक्र उसका
फितरी तकाजा है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। और अल्लाह के कुछ ऐसे भी मुखलिस और खालिस बंदे हैं जो नेमत मिलने पर भी शुक्रिया अदा करते हैं, हत्ता नेमत के छीन जाने और मुसीबत के आ जाने पर भी वो शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए बेहतरीन नमूना हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला सिफात है। कितनी मुसीबतें जनाब ज़ैनब के ऊपर नहीं आई, लेकिन आखिर में क्या कहा, मा रअयतुहु इल्ला जमीला, मैंने परवरदिगार के यहाँ सिवाय खूबसूरती और हुस्न के कुछ नहीं पाया। अच्छा इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि उनका शुक्र अदा करने का अंदाज इतना उरूज पर होता है कि वो बहुत सारी कुर्बानियां देने के बावजूद वो कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील, है ना परवरदिगार ये मुख्तसर कुर्बानी हमसे कबूल फरमा। इमाम हुसैन का लाशा पड़ा हुआ है, टुकड़ों में बट चुका है, जनाब ज़ैनब गुजर रही हैं, तो परवरदिगार से कह रहे हैं परवरदिगार मेरी इस मुख्तसर सी कुर्बानी को हमसे कबूल कर ले, है ना। ये शुक्र की इंतहा है, इसलिए कि मालूम है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है और जो चीज अल्लाह दे उसे अल्लाह की राह में खत्म हो जाए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, इससे बड़ी मेराज और क्या हो सकती है। तो ना फकत ये कि नेमतों के मिलने पर, बल्कि नेमतों के छिन जाने और मुसीबत आने पर भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं अल्लाह के जो शुक्र परवरदिगार करते हैं, हर हाल में शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम इम्तिहान वो दे देते हैं फिर भी शुक्र परवरदिगार करते हैं, और उन्हें ये एतराफ होता है कि ये जो मैंने कुर्बानी दी है ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, हम की इंतहा देखिए मौला इमाम हुसैन के लिए, जब सारी कुर्बानियां इमाम हुसैन दे चुके, अली अकबर जैसे को कुर्बान कर दिया, अब्बास जैसे को कुर्बान कर दिया, नन्हे मुजाहिद अली असगर को कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब आखिरी रुख्सत के बाद इमाम मैदान में जा रहे हैं, तो इमाम की जबानी मिर्ज़ा दबीर या मीर अनीस ने एक शेर कहा है कि इसके बावजूद इमाम हुसैन जब जा रहे थे शहादत पेश करने के लिए तो ये कहते हुए जा रहे थे कि हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन, इतनी सारी कुर्बानियों के बावजूद हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन, कोई फिदिया तेरे काबिल नहीं पाता है हुसैन, है ना। इतनी कुर्बान क्यों, इसलिए कि मालूम है कि जो अल्लाह ने दिया है, है ना, जो अमानतें अल्लाह ने दी हैं मैंने उन अमानतों को लौटा दिया है, वापस कर दिया है। तो ये हम्द का बेहतरीन जरिया है नमाज, इसीलिए मौला इमाम हुसैन ने अपनी शहादत भी पेश किया तो सजदे में सर इमाम का था, है ना। ज़ियारत इलाहिया में आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलल मज़दूह बिर्रासिल खफा, है ना, सलाम हो उस पर के जिसके सर को पुश्ते गर्दन से जुदा किया गया। कब है इंसान की सर गर्दन पर कब जरूरत लगती है, जब वो हालत सजदा में हो तभी सर पे उसकी गर्दन पे जरूरत लगती है। तो इमाम हुसैन को जो है सर तन से जुदा किया गया तो हालत सजदा में, नमाज में वो क्या चीज थी कि इमाम हुसैन इतने सब कुछ जख्म खाने के बाद भी, है ना, 1900 जख्म तो मशहूर हैं, पता नहीं कितने और ज्यादा जख्म हैं जो इमाम के बदन पर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी इमाम ने आखिरी जुमला इमाम का क्या है, हमदन, परवरदिगार तेरा शुक्रिया और मैं तमाम चीजों को छोड़कर तेरी तारीफ करता हूँ, है ना, और मैं इकरार करता हूँ कि ला माबूदा सिवाक, आखिरी जुमले जो इमाम के देखिए कि परवरदिगार तेरे अलावा कोई और हमारा माबूद नहीं है। तो गरज ये कि हम्द और शुक्र इंसान का फितरी तकाजा है, अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी हैं तो इंसान की फितरत इस बात का तकाजा करती है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए, तो उस शुक्रिया के लिए बेहतरीन जरिया नमाज है। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको मारिफ़ अहले बैत, मारिफ़ दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि।